श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर से मेल ऊंचे दर्जे का सत्संग है। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उनमें परिवर्तन होता है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह अजर अमर अविनाशी है। उसका संग हो जाए, मेल हो जाए तो जानिए पूरा सत्संग हो गया। लेकिन यह एक ही भाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार से कह देना बहुत सुगम है, पर ठीक ठीक होना बहुत दूर है। माइक आवरणों में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। आवरण तीन है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में ईश्वर दर्शन नहीं होता। एक मुनि का शिष्य था। उसने गुरु से प्रार्थना की, ब्रह्म के द्वार का मुख प्रकाश के आवरण से बंद है, मेरे वास्ते उसको हटा दीजिए। अंधकार को हटाने की प्रार्थना करते हैं, प्रकाश को हटाने की भी प्रार्थना करते हैं। अंधकार से बाहर जाना है और प्रकाश से भी बाहर जाना है। सभी माइक आवरणों से बाहर जाना है। होते होते जो आदि नाद है वह भी आवरण है। उस आदि नाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ ईश्वर दर्शन द्वैत भाव होते हुए भी होता है। एक ही भाव में त्रिपुटी, ध्याता, ध्यान और ध्येय नहीं रहते। अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश मंडल भी माइक है। शब्दों का आवरण कितना बड़ा है इसको माप नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। इतना लंबा कोई रास्ता नहीं है, विकट पंथ। जिस रास्ते पर चलकर पहुंचा जाता है उस पर विघ्न बाधाएं भी होती हैं। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है, इसीलिए विकट पंथ बहुमार्ग कहा। थोड़ा थोड़ा चलते चलते लंबे से लंबा रास्ता भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है वह चलते चलते रास्ते को पार कर जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। यह दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य आँख से देखे बिना होता है। चेतन आत्मा को जो शरीर का संग है इसी से अज्ञानता है। जो चेतन आत्मा की पहचान में आ जाए वही ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएंगे उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसी अवतारी रूप का दर्शन, ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है। आँख से जो दर्शन हुआ वह माया का ही दर्शन हुआ। इससे आगे जो आत्मस्वरूप है उसका दर्शन नहीं हुआ। सब रूपों में जो आत्मा है उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं होता है। जैसे सबके शरीरों को सब कोई देखता है लेकिन आत्मा को नहीं देखता है। आत्मा का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ही ईश्वर का दर्शन मानते हैं। माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, गौ गौचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना नहीं होता है। माया के दर्शन से पूर्ण शांति नहीं होती है। माया के दर्शन में आपदा आती ही रहती है। शगुन रूप उपासना में गुरु रूप की उपासना भी आ जाती है। शगुन उपासना को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाहर में प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, परंतु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं। चाहे प्रतिमा बनाओ वह तस्वीर बनाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा, केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। यह स्थूल उपासना है। इससे आगे बढ़ने में जो उपासना होती है
वह सूक्ष्म शगुन उपासना है। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले शगुन साकार रूप उपासना, फिर सूक्ष्म शगुन रूप उपासना है, फिर सूक्ष्म शगुन अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है वही निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहाँ केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी पड़े तत्व को चिन्ह लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और तब कर्म बंधन टूट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जो योगी, सोई हरि पद अनुभवाई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। परम सुख को जो पाता है वह द्वैत से छुटा हुआ होता है, वह शोक मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुंच जहां होती है वहां स्थान और समय नहीं रहते। जिनकी यह दशा नहीं हुई उनका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहां दूर होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग से इन विषयों को बारंबार समझाया जाता है, पढ़े अनपढ़े को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, यह कोशिश सत्संग में की जाती है। जहां ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए सत्संग नहीं करने वाले वहां ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन नहीं होता लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता है। आंतरिक उपासना को आंतरिक सत्संग कहते हैं। अद्वैत भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाए यह निर्गुण शब्द ब्रह्म की उपासना से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है, संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुलह बिना बारात कहो किस काम की। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में दिनांक 20/8/1937 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।